हेलो वेलकम। मैं डॉक्टर पीके वर्मा एक बार फिर से आपका अपने बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूँ। पिछले सेशन में हमने डीएनए रिप्लिकेशन प्रारंभ किया था। इसके पहले भाग में हमने डिस्कस किया कि डीएनए रिप्लिकेशन बेसिकली कैसे होता है। अब हम लोग ओरिजिन साइट के दोनों ओर बनने वाले जो दो फॉर्क्स हैं उनमें इंडिविजुअली कौन कौन सा एंजाइम, कौन कौन सा प्रोटीन फैक्टर किस प्रकार आके अटैच होता है और अपने कंप्लीमेंट्री स्टैंड का निर्माण करता है, इसे पॉइंट वाइज देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि इंटरफेज में जीवन फेज के समाप्त होने के समय साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज नाम का एक एंजाइम एक्टिव हो जाता है और वह सेल के सामान्य क्रियाओं को रोक देता है, अधिकांश जीन्स को ऑफ कर देता है। लेकिन वह डीएनए के रिप्लिकेशन से संबंधित कई नए जीन्स को ऑन करा देता है जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन का यूकैरियोट में निर्माण कराते हैं। सो एस फेज में, डीएनए सिंथेसिस फेज में नए प्रकार का मेटाबॉलिज्म शुरू होता है। सबसे पहले हेलिकेज, जिसे सामान्य भाषा में अनवाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है, इसके दो मॉलिक्यूल ओरिजिन साइट पर दो तरफ से जुड़ते हैं। इसके जुड़ते समय ओरिजिन साइट पर मिथाइल ग्रुप बहुत आयत से पाया जाता है। अब यह हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ते हुए दोनों कंप्लीमेंट्री स्टैंड्स को ओरिजिन साइट पर दूर दूर खींचकर एक तरह से हटा देते हैं, तो इससे दोनों ओर रिप्लिकेटिंग फॉर्क का निर्माण होता है। ओ साइट के दोनों ओर रिप्लिकेटिंग फॉर्क का निर्माण होता है। एंजाइम हेलिकेज एनवाइंड्स डीएनए डबल स्टैंड, ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड एंड मेक द 100 टू 200 बेस पेयर्स लॉन्ग डीएनए स्ट्रेट इन बोथ डायरेक्शंस। Therefore, two replication forks are formed. स्ट्रेट मतलब DNA right handed helix है, हेलिकेज left hand direction में उसको rotate कराकर सीधा कर देता है और बीच में घुसकर opposite direction में move करता है, जिससे उसका hydrogen bond टूटता चला जाता है और ये दोनों complementary stand एक दूसरे से दूर दूर हट जाते हैं। अब ये दोनों फिर सटकर फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना लें, फिर से राइट हैंडेड हेलिक्स ना बना लें, इसलिए सेपरेट होने वाले दोनों स्टैंड्स पर फॉर्क की जगह पर, जहां दो भाग में विभाजन हुआ उस जगह पर, कम से कम चार मॉलिक्यूल के सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन नामक मॉलिक्यूल, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 74 किलो डाल्टन है, वो अटैच हो जाता है। इसके कारण दोनों स्टैंड एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। यहाँ आप देखिए फॉर्क का निर्माण दिखलाया गया है, बीचे बीच ऐसे चिराते चला जा रहा है। यह हेलिकेज एक ट्रायंगल की तरह बीच में घुसकर इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते चला जा रहा है और इस तरह दोनों स्टैंड अलग हो जाता है, जिस पर कि एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज
जुट करके डीएनए सिंथेसिस कराते हैं। इस डायग्राम में एक फॉर्क दिखलाया गया, यहाँ आप देख रहे हैं कि अलग होने वाले स्टैंड में 3 डैश है, जबकि दूसरे वाले स्टैंड में 5 डैश है। तो जब ये चिराता है तो 3 डैश से दूर लगातार इस स्टैंड पर ऐसे दूरी बनते जाएगी, जबकि इस तरफ आगे की ओर स्पेस था, पीछे स्पेस खाली होगा। तो 3 डैश के पास सबसे पहले छोटा सा ये आरएनए का टुकड़ा बनता है प्राइमेज एंजाइम की मदद से, ऐसा ही एक टुकड़ा इधर भी बनता है प्राइमेज की मदद से। इसी के कंटिन्यूएशन में डीएनए का निर्माण होता है। तो एक स्टैंड पर तो डीएनए लगातार बनेगा, इस डायरेक्शन में बनता जाएगा, और दूसरे स्टैंड पर डीएनए यहाँ से यहाँ बनेगा, अब कहाँ जाएगा? अब तो जगह पीछे की ओर खाली हुई है, तो पीछे एक नया प्राइमर यहाँ बनेगा और उसके कंटिन्यूएशन में डीएनए बनेगा। इस तरह से माइनस स्टैंड के ऊपर टुकड़े टुकड़े में डीएनए बनता है, तो ऐसे टुकड़े को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। तो जो प्लस स्टैंड है 3 डैश से प्रारंभ होने वाला, उस पर लगातार बनने वाले डीएनए को लीडिंग स्टैंड कहा जाता है, और माइनस स्टैंड पर जहाँ टुकड़े टुकड़े में डीएनए बनता है उसको लैगिंग स्टैंड कहा जाता है। अब आगे बात देखिए, एंजाइम प्राइमेज कैसा होता है? तो प्राइमेज तो अपने आप में एक मॉलिक्यूल पॉलीपेप्टाइड का है, लेकिन इसके साथ 14 और मॉलिक्यूल प्रोटीन के जुटे होते हैं। प्रोटीन आई के 3 मॉलिक्यूल, प्रोटीन एन के 2 मॉलिक्यूल, प्रोटीन एन डैश 1 मॉलिक्यूल, एन डबल डैश 1 मॉलिक्यूल, डीएनए सी 1 मॉलिक्यूल और डीएनए बी 6 मॉलिक्यूल। इस तरह से एक बड़ा जटिल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का बंच बनता है, 15 पेप्टाइड का बंच बनता है, जिसको प्राइमोसोम कहते हैं। यह प्राइमोसोम 3 डैश टर्मिनल पर जुटकर एक छोटा सा आरएनए यानी आरएनए प्राइमर बनाता है, जिसमें 9-10 बेसेज पाए जाते हैं। अब इतना बनने के बाद इसको रिप्लेस करता है डीएनए पॉलीमरेज 3। डी लूसिया और कायर्न्स 1969 में 2 एंजाइम का इन दोनों ने खोज किया, पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज 3। एक और है डीएनए पॉलीमरेज 1, उसकी चर्चा आगे होगी, उसी की पहले खोज हुई थी कॉर्नबर्ग के द्वारा। तो जांच करने पर पता चला कि पॉलीमरेज 3 ही वह मुख्य एंजाइम है जो डीएनए का निर्माण करता है। तो यह आरएनए प्राइमर के बाद जुटे हुए प्राइमेज को हटा देता है, प्राइमोसोम को हटा देता है और उसकी जगह पर खुद जुड़ जाता है। अब आरएनए के प्राइमर के कंटिन्यूएशन में डीएनए का कंप्लीमेंट्री स्टैंड बनने लगता है। इस तरह से डीएनए का निर्माण 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन में होता है, दोनों ही स्टैंड पर। यह है पॉलीमरेज 3 की रचना, जिसमें कई प्रोटीन का नाम लिखा गया है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन और टाउ। तो पॉलीमरेज 3 एक होलो एंजाइम है, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन, थीटा और टाउ, ये 7 पॉलीपेप्टाइड जुटे हुए हैं। इस 7 के कॉम्प्लेक्स को रिप्लिसोम भी कहा जाता है। तो ये प्लस स्टैंड पर ओरिजिन साइट से फॉर्क की ओर लगातार डीएनए का निर्माण करते हैं, जिसे हमने पहले कहा कि वह लगातार डीएनए का स्टैंड लीडिंग स्टैंड कहलाएगा। सबसे नीचे के सेंटेंस में देखिए, कंटिन्यूअस लीडिंग स्टैंड इज सिंथेसाइज्ड। लेकिन जो निगेटिव स्टैंड है उस पर क्या हुआ? तो बट द एंजाइम मूविंग अवे फ्रॉम फॉर्क साइट टूवार्ड्स ओ साइट डू नॉट फाइंड स्पेस एंटेरियरली, रादर ए न्यू स्पेस इज फॉर्म्ड पोस्टेरियरली, देयरफॉर ए न्यू आरएनए प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड नियर फॉर्क एंड ए फ्रेश कंप्लीमेंट्री डीएनए स्टैंड इज फॉर्म्ड
बिहाइंड द अर्लियर डीएनए। तो आगे जो पहले डीएनए बन चुका था उसके पीछे खाली जगह हुई, वहाँ पर एक नया प्राइमर बनेगा और उस प्राइमर के कंटिन्यूएशन में फिर नया डीएनए स्टैंड बनेगा। इस तरह से टुकड़े टुकड़े में जो डीएनए का निर्माण हुआ तो उसको लैगिंग स्टैंड कहा जाएगा। और इन टुकड़ों की खोज किया था जापान के एक वैज्ञानिक रिजी ओकाजाकी ने, तो उनके नाम पर इसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। अब इनके नाम से मुझे एक घटना याद आ रही है। जिस समय जापान के हिरोशिमा पर एटम बम गिरा था, वे एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। उस एटॉमिक रेडिएशन के कारण उन्हें ब्लड कैंसर हो गया। वे जिंदगी भर ब्लड कैंसर से सफर करते रहे और रिसर्च एक्टिविटी को आगे बढ़ाते रहे। उनके डेथ होने पर पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने शोक मनाया था। अब आइए डीएनए पॉलीमरेज वन की बात कीजिए। यह डीएनए पॉलीमरेज एक एडिटर एंजाइम है। अगर कोई गलत बेस आकर जुड़ जाता है, जैसे ए के सामने टी की जगह सी जुड़ जाए, सी के सामने जी के बदले ए जुड़ जाए, तो इस रॉन्ग बेस को वह पीछे के दिशा में पाए जाने वाले एक्टिव सेंटर की मदद से तोड़ देता है। यानी इसका 3-5 एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। लेकिन आगे चलते चलते जहाँ भी यह कहीं पर ब्रेक पॉइंट देखता है, डायस्टर बॉन्ड बना हुआ नहीं पाता है, तो डायस्टर बॉन्ड बना देता है। यानी 5-3 पॉलीमरेज एक्टिविटी है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 के पीछे पीछे 2-3 मॉलिक्यूल एक के बाद दूसरा पॉलीमरेज 1 चलता है और वह गलतियों की संभावनाओं को ख़त्म करते हुए डीएनए के रिप्लिकेशन को फॉल्टलेस यानी दोष विहीन बनाते जाता है, ठीक करते जाता है। अब पॉलीमरेज 1 आरएनए प्राइमर को डाइजेस्ट कर सकता है। उस प्राइमर की जगह पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डालकर उसको जोड़ सकता है, लेकिन वह टूटे हुए टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को आपस में नहीं जोड़ पाता है। इसे जोड़ने के लिए एक अलग एंजाइम होता है, डीएनए लाइगेज। यह किसी भी टूटे हुए सिंगल स्टैंड या डबल स्टैंड डीएनए को आपस में जोड़ सकता है। अब हाल फिलहाल में यह मालूम हुआ कि प्लस स्टैंड और माइनस स्टैंड पर जो दो डीएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया हो या यूकैरियोट हो, किसी भी केस में जो दो मॉलिक्यूल डीएनए पॉलीमरेज के जुटे रहते हैं, वह एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं मूव करते हैं, क्योंकि वह आपस में एक दूसरे से एक सी पेप्टाइड प्रोटीन सी की मदद से जुटे पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्लस स्टैंड पर तो लगातार ये मूव कर जाता है, तो माइनस स्टैंड पर आगे सिंथेसिस करने के बाद पीछे कैसे लौटेगा? तो इसका मतलब माइनस स्टैंड इससे छूट के अलग हो जाता है। छूटकर अलग होने के बाद एक लूप बनाकर गोल घूमकर आता है और फिर पिछला हिस्सा से वह घुस करके फिर पीछे खिंचाते हुए लूप बनाता है और आगे सिंथेसिस होता चला जाता है। इस तरह से बार बार यह घूमकर, यहाँ देखिए दूसरे डायग्राम में आपको दिखलाया गया है कि ये इस तरफ से ऐसे लूप बना हुआ है। ये जो ओरिजिनल डीएनए स्टैंड यहाँ से आया, निगेटिव स्टैंड ये आया और पीछे से आ करके फिर ये इस रिंग में घुसा। बी रिंग का काम करता है, स्लाइडिंग रिंग की तरह काम करता है, इसमें घुस के बाहर निकलता है, तब कम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनता है। जबकि इधर प्लस स्टैंड सीधे सीधे बाहर निकलते जाता है और सिंथेसिस होते जाता है। उसी चीज़ को ये दूसरे डायग्राम के थ्रू दिखलाया गया है। अब यूकैरियोट में पहले पॉलीमरेज अल्फा और पॉलीमरेज बीटा की खोज हुई, बाद में पॉलीमरेज डेल्टा की भी खोज हुई। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पॉलीमरेज गामा मिलता है, तो कई तरह के डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट में पाए जाते हैं।
लेकिन जांच करने पर मालूम हुआ कि लीडिंग स्ट्रैंड का निर्माण डेल्टा पॉलीमरेज और लैगिंग स्ट्रैंड का निर्माण अल्फा पॉलीमरेज करता है। डेल्टा पॉलीमरेज एरर करेक्शन भी कर सकता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि एरर करेक्शन मूल रूप से बीटा पॉलीमरेज की मदद से होता है। वही लुक बनना, रिंग बनना, यहाँ आप देख रहे हैं एक इधर फ्रेगमेंट बना, एक फ्रेगमेंट यहाँ बना, ये क्या किया, फिर ये पीछे से गया, ऐसे घूम के आया, एंटर किया और बाहर निकल कर के ये स्टैंड बनाया। तो लगभग सभी विद्वान वैज्ञानिक अब इस तरह से लूप फॉर्मेशन निगेटिव स्टैंड पर होते देख रहे हैं। अब ये आपके लेवल पर अप टू ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए, इवन मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट के लिए काफ़ी जानकारी है। अब अगले सेशन में हम लोग जीन का कंसेप्ट पढ़ेंगे, जीन की रचना समझेंगे और कैसे जीन काम करता है, ओपेरॉन कंसेप्ट क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।